हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डैनियल्स मेकअप एंड मेहंदी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही सुंदर सा बंगाली ब्राइडल मेकअप लुक। फर्स्ट मैं यूज करूंगी पीएसी क्लीन स्लेट वाइप्स, ये यूज करके मैं फेस को अच्छे से क्लीन कर लूंगी। एंड सेकंड मैं यूज कर रही हूँ पिक्सी टोनर एंड थर्ड वन इंडल्जेंस का रोज गोल्ड ऑयल। एज मेरा मॉडल का फेस बहुत ही ड्राई है तो मैं फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर रही हूँ। पॉन्ड्स लाइट ब्यूटी मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है एंड नेक्स्ट प्राइमर मैं यूज कर रही हूँ मिल्की का प्राइमर जो कि ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। एंड नेक्स्ट मैं फॉरएवर 52 से एंड आप लोग देख ही रहे हो कि मैं फिंगर टिप यूज कर रही हूँ प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए। हमेशा याद रखना, जब भी आप ऑयल यूज़ करो तब भी आप मॉइस्चराइजर के पहले ऑयल यूज़ करो ताकि स्किन ऑयल को अच्छे से एब्जॉर्व कर ले। अगर आपने कभी भी फिंगर टिप यूज़ करके मेकअप प्रोडक्ट अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, इससे आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। एंड आप लोग देख ही रहे हो कि मैं फिंगर टिप यूज़ करके मैंने अप्लाई किया है एंड मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर से। एंड अभी मैंने यूज़ किया है शुगर का जेली हाइलाइटर जो कि मैं चाहती हूँ कि मेरे मॉडल का फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो करे, तो इसीलिए मैं लिक्विड हाइलाइटर बीच में लगा रही हूँ। एंड नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है मैक का फाउंडेशन। मैं हमेशा दो सेट मिक्स करके अप्लाई करती हूँ ताकि मुझे रिजल्ट एंड कवरेज दोनों ही बहुत ही बढ़िया मिले। अगर आप कभी भी नहीं ट्राई किया है तो आप भी ज़रूर से ट्राई करना। मैं सेम कंसीलर पैलेट यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का, इससे ही मैं कंटूर एंड लिक्विड ब्लशर दोनों ही अप्लाई करूँगी। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी हुदा ब्यूटी का लिक्विड हाइलाइटर, इससे मैं फेस को अच्छे से हाइलाइट कर दूँगी। हमेशा याद रखना कि हर प्रोडक्ट के बीच में आप एक दो सेकेंड का गैप दो। आप जितना गैप दे के आप प्रोडक्ट अप्लाई करोगे आपका प्रोडक्ट उतना ही अच्छा एब्जॉर्व होगा फेस में। एंड अभी मैं इसको ब्लेंड कर दूंगी हाइलाइटर को। एंड इसके बाद मैं यूज़ करूंगी आई मैजिक का लूज पाउडर जो कि नो कलर पाउडर हम लोग यूज़ करेंगे, जो इससे कोई कलर इफेक्ट ही नहीं छोड़ेगा। एंड फिर मैं यूज़ कर रही हूँ मैक का कॉम्पैक्ट। मैं हर प्रोडक्ट का शेड नंबर एंड नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मैंने यहाँ पर लूज़ पाउडर अप्लाई कर लिया है बेकिंग के लिए एंड फिर मैंने कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर लिया है। एंड अभी मैं फिर से कर रही हूँ कंटूर पाउडर कंटूर एंड फिर मैं यूज़ करूँगी पाउडर ब्लशर एंड पाउडर हाइलाइटर। क्या होता है ना, जब भी हम लोग क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद हम लोग जब भी बेकिंग प्रोसेस में जाते हैं या फिर कॉम्पैक्ट अप्लाई करते हैं, हम लोगों का जो कंटूर एंड ब्लशर प्रोसेस जो होता है क्रीम का, वो बहुत ही कवर हो जाता है। तो इसीलिए और मतलब लुक और इन्हेंस करने के लिए और मतलब ब्राइट करने के लिए हम लोग को फिर से पाउडर हाईलाइट और या फिर पाउडर कंटूर ब्लशर, ये हम लोग को फिर से करना पड़ता है। एंड मैं अभी यूज़ कर रही हूँ आई मैजिक का आईब्रो पोमेट डार्क ब्राउन एंड मैंने यूज़ किया है पीएसी कंसीलर जो कि हम लोगों का क्रीम बेस में है। और ये मैं यूज़ करती हूँ आई बेस के लिए ये मेरा एकदम फेवरेट प्रोडक्ट है। आई बेस बहुत ही एकदम अच्छे से मिलता है मुझे एंड फिर मैं इसको कॉम्पैक्ट देकर सेट कर लूँगी। मैंने यूज़ किया है यहाँ पर हुदा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट एंड मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि हाफ़ कट क्रीज कैसे करते हैं। तो हम लोग पहले शेडो अप्लाई कर लेंगे क्रीज लाइन पर एंड आउटर कॉर्नर पर और फिर हम लोग कंसीलर देकर फिर से इनर कॉर्नर से एंड मिडिल पोर्शन तक फिर से कंसीलर लेकर हम लोग कट करेंगे। एंड अभी मैं बेलोरा का काजल जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट एक प्रोडक्ट है एंड मैं उसको अर्बन डीके ब्लैकआउट से और अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। एंड फिर से मैं नेक्स्ट फिर से मैं काजल को डबल अप्लाई करूंगी एंड अभी मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का लिप लाइनर। एंड मैंने यहाँ पर लिपस्टिक शेड दो लिपस्टिक शेड यूज़ किया है। मैं हमेशा अपना मॉडल हो या फिर मेरा क्लाइंट हो, मैं हमेशा लिपस्टिक को मतलब मिक्स करके अप्लाई करती हूँ, इससे रिजल्ट एंड कलर दोनों ही मुझे बहुत ही बढ़िया मिलता है। चाहे वो मुझे एक कलर चाहिए या फिर ड्यूअल टोन कलर चाहिए, मैं हमेशा लिपस्टिक को मिक्स करके अप्लाई करती हूँ। एंड यहाँ पर मैंने, आप लोग देख ही रहे हो कि मैं यहाँ पर ड्यूअल टोन दिया है, बोथ साइड मेरा डार्क है एंड मिडिल पोर्शन जो लिप का है वो मैंने लाइट दिया है ताकि मेरा लिप्स जो है वो बहुत ही अच्छे से पॉप अप हो जाए।
एंड मैं और फिर रीअप्लाई कर रही हूँ, मैं दो तीन बार रीअप्लाई करती हूँ ताकि मेरा लिपस्टिक एकदम डार्क एंड एकदम प्रॉपर अच्छे से दिखे। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी मस्कारा एंड देन आईलैश, एंड फिर मैं ऑलरेडी मैंने एक बार हाइलाइटर अप्लाई किया है एंड फिर मैं करूँगी मेकअप फिक्सर, मेकअप को अच्छे से फिक्स कर दूँगी। एंड फिक्स करने के बाद जब हम लोग का फेस वेट रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, फ़ैन लेकर फेस को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। एंड ड्राई करने के बाद कभी कभी क्या होता है ना, मेकअप डल हो जाता है। बहुत जन ना मुझे पूछते हैं कि हम लोग तो मेकअप करते हैं लेकिन फिर भी क्यों डल लगता है, तो ये प्रोसेस आप लोग ज़रूर अप्लाई करना। फिक्सर के बाद आप फिर से हाइलाइटर की रीअप्लाई करो एंड हाइलाइटर बहुत ही अच्छा ब्रांड का लेना, ठीक है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे देन प्लीज़ प्लीज़ मेरा चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड आप लोगों को कुछ क्वेरीज हो या फिर कुछ पूछना हो मेकअप रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।